नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी उत्तराखंड से मिल रही है। आखिरकार उत्तराखंड को एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री, नया चेहरा मिल गया है। जी हाँ, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं सरकार के, लेकिन उससे पहले 3 चेहरे बदल गए हैं। सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जो कि 2 जुलाई को इस्तीफा दे चुके हैं, और आखिरकार आज पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली है और उनके साथ 11 और मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक हैं, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही कल लगातार चर्चाएं हो रही थी कि वो कल शाम को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन नाराजगी जो है वो खेमे में नजर आने लगी। इसके बाद ये चर्चाएं होने लगी कि कल यानी कि आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब तो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो लगभग पूरा होने जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो नाराज हैं, जिन्हें मनाने की कवायद लगातार चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 5 सालों में 3 चेहरे बदले गए हैं, आखिर क्यों विश्वास नहीं हो पा रहा है अपने ही लोगों पर? बीजेपी में आखिर क्या मनमुटाव चल रहा है? क्या इसका असर जनता पर नहीं पड़ेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो जनता के सामने हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले सारी चीजें उठा पटक चल रहा है। वहीं इसी को लेकर कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर लगातार हमलावर है, और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी काविंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पे। काविंद्र, जैसे जिस तरह से हम राजनीति देख रहे हैं उत्तराखंड में, बीजेपी की तरफ से जो किया जा रहा है, जो उतार चढ़ाव और जो नए चेहरे लगातार सामने आ रहे हैं, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत शपथ लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उनका चेहरा बदल दिया जाता है। तीरथ सिंह रावत जो हैं, फिर वो आते हैं, फिर वो इस्तीफा दे देते हैं, और अब पुष्कर सिंह धामी। क्या पुष्कर सिंह धामी पूरे कर सकेंगे ये 5 सालों को, या फिर वो भी अब आगे जाके जनता विश्वास उन पर नहीं कर पाएगी? जी बिल्कुल काजोल, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो यहाँ पर मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है, उसको इतना देखा जा रहा है, और इस बात तो इस तरह की बात भी निकल कर सामने आई है कि जल्दी मौसम नहीं बदलता, उससे पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री बिल्कुल। इसके साथ ही काजोल एक चीज और है, ये गुलदस्ता जो मिला है, ये गुलदस्ते ज्यादा कांटों का ताज मिला है, क्योंकि कई विधायक जो है यहाँ पर नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, सुबह से जिस तरीके से मदन कौशिक के घर पर लगातार मीटिंग हो रही थी, मदन कौशिक वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी के लगातार मीटिंग का दौर जारी था, ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे शायद विधायकों का एक बड़ा दल जो है वो दिल्ली में जा सकता है इनके खिलाफ। लेकिन अब जो देर में जोश हुआ देर सवेर, वो ये है कि मुख्यमंत्री हालांकि बन चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी नाराजगी जो है वो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा हो चुकी है। इसके साथ ही ये देख, ये भी बात एक अंदर खाने चल रही है कि किस तरीके से जो नाराज हुए हैं, सतपाल महाराज की बात करूँ या धन सिंह रावत की बात करूँ, इनको दिल्ली हाईकमान की तरफ से अभी फिलहाल के लिए तो इसको शांत करा दिया गया है, लेकिन ये नाराजगी कहीं ना कहीं देर सवेर कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल काविंद, सवाल यही है कि फिलहाल तो समझा बुझा दिया गया है और मंत्री पद की शपथ भी ले ली है, लेकिन कहीं ये तूफान आने से पहले की शांति तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये तूफान आने से पहले की शांति इसको कह सकते हैं, क्योंकि 2022 में देखिए चुनाव है, ऐसे भी ये कहा जा रहा था कि दिल्ली से ये निर्देश निकले थे कि तीरथ सिंह रावत की लीड में ये लोग उत्तराखंड का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी वहां से नहीं लड़ेगी, इसको भूल सुधार की तरह भी देखा जा रहा था। लेकिन अब जब यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इतना छोटा समय रह गया है, बहुत कम समय है, क्योंकि अगले साल ही शुरुआत में ही चुनाव होने हैं, लेकिन अब चुनौतियां जो है वो सीधे सीधे पुष्कर सिंह धामी के ऊपर है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी नया चेहरा है, बहुत 45 साल की उम्र है उनकी, और इतना अनुभव भी नहीं है राजनीति में, अभी 2 बार ही विधायक रहे हैं, तो ये चीज देखना भी अहम हो जाएगी कि किस तरीके से ये चुनौतियों को स्वीकार कर पाते हैं या फिर नहीं। बिल्कुल, और वो जो शिकन है ना चेहरे पे काविंद्र, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अभी कुछ देर पहले ही हमने शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें शपथ लेते हुए देखा, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई, लेकिन चेहरे पर वो खुशी या वो कहें कि वो तेज नहीं नजर आ रहा था, एक गंभीरता और एक टेंशन सी नजर आ रही थी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ा सपना होता है राजनेता का, लेकिन बहुत कम समय मिला है यहाँ पर, क्योंकि 2022 में चुनाव है, एक बार फिर परीक्षा है, उस परीक्षा में आना है, ऐसे में चैलेंजेस बहुत सारे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन खुद के ही लोग नाराज हैं, आज इतने सारे विधायक हैं, कई सारे विधायकों की बात चल रही है जो कि नाराज है, उनके साथ जो मंत्री काम करेंगे
जी नाराज है, हर जगह खटास है। तो ऐसे में जो मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि फूलों का गुलदस्ता कभी कांटों का साथ ज्यादा है, बिल्कुल, तो ये कितना उस तरीके से उसको ले पाते हैं, किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, ये देखना अहम है। बिल्कुल कावेंद्र, और जिस तरह से यूपी में हम देख रहे हैं कि यूपी में दल बदल की जो राजनीति है वो लगातार जारी है, अपने ही जो है वो रूठे हुए हैं, कहीं रूठों को मनाने की कोशिश है लेकिन कहीं रूठ कर लोग दूसरे खेमे में जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक नया चेहरा सामने आया है, पुष्कर सिंह धामी, जो कि युवाओं में काफी ज्यादा प्रचलित है लेकिन जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के वो कहीं ना कहीं नाराज है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो विधायक नाराज है या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है वो बाद में पार्टी बदल लें या दूसरे दल में चले जाए तो इससे विपक्ष को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, क्योंकि हरीश रावत की अगर बात की जाए तो हरीश रावत जो है वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बहुत बड़ा चेहरा है। बिल्कुल काजल, आपको बता दूं कि जैसे अन्य जो बड़े राज्य हैं, वेस्ट बंगाल की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है वो बहुत बड़ा होता है, जल्दी दल भाग में देखा नहीं होगा कि जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए हों। लेकिन उत्तराखंड की सियासत, जब से उत्तराखंड बना है 2000 से लेकर आज तक जितने मुख्यमंत्री बदले गए, सिर्फ एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर पाया था, उसके अलावा कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। तो ऐसे में यहाँ पर सीधे सीधे एक ही बात रहती है कि 1,000 और 100 बीमार वाली, यहाँ पर जितने भी अन्य बड़े नेता हैं, जितने वरिष्ठ नेता हैं, वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अपनी बारी आएगी कब वो जी। बिल्कुल कावेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो पुष्कर सिंह धामी अब उत्तराखंड का नया चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर, और जिस तरह से मेरे सहयोगी ने तमाम जानकारियां साझा की हैं उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तो शांति है लेकिन आने वाला समय कैसा रहने वाला है पार्टी के लिए भी, विपक्ष के लिए भी और आम जनता के लिए भी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के इतना ही, ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।